Rana, Rana, Rana. जरं कली ओ नजरिया लागे नहीं कली न जी क्या हाल चाल है आप सबके ठीक हैं खुश हैं मज़े में है तो मैं बिल्कुल ठीक आप सबकी दुआओं से तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज मेरी थोड़ी सी लुक आपको चेंज लगने वाली है परांदा शराना मैंने कर लिया है और जनाब यहाँ पे थोड़ी सी लुक अपनी चेंज की है क्योंकि आज घर के काम करने थे बड़े ही सारे तो मैंने सोचा क्यों ना एक पंजाबी सी लुक अपनी क्रिएट करूँ क्योंकि मुझे बहुत शौक है पंजाबी तो अलहमदिल्ला मैं है ही लेकिन मुझे पंजाबन बनने का भी बड़ा ही शौक है तो हेयर आज करने थे घर के थोड़े से काम शाम ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾਲ ਮੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਸ وجہ سے ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਆਸੀ ਕੋ ਕਲਰ ਕਰਾਉਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚ ਮੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਲੋ ਕੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕਲਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇੜਾ ਗਰਗ ਕਰਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਸ ਕਰ तो वो बल्कि मुझे पता है क्या कहते हैं कि पूरा सिर भी तेरा चिट्टा हो जाएगा ना तूने कलर नहीं करना मुझे ये बोलते हैं यार तो बताइना वो खुद कलर करते हैं <laughs> तो है अभी ना बस चलते हैं घर का काम शाम शुरू करते हैं बाकी आप लोगों को मेरी ये वाली सूट तो मैंने वही नॉर्मल घर में पहनने वाला पहना हुआ है बाकी बस मैंने ये प्रदर्शनता किया हुआ ये कैसा लग रहा है आप लोगों ने कमेंट करके बताना यार बहुत ही अच्छा लगता है कभी कभार जो है ना हम खातन को अपनी थोड़ी सी लुक चेंज करनी चाहिए और फिर घर के जितने मर्ज़ी काम करो ना इंसान खुश रहता है क्योंकि हम बेचारी ख़ातीन क्या टी जाती है सारा दिन घर में काम खाना पकाना बच्चे संभाल ले यही करना होता है तो यार कभी कभी ना खुद को रेडी किया करें अभी मैंने हालांकि कुछ भी नहीं किया जस्ट सन ब्लॉक लगाया और टिंड लगाया और इससे पहले वाला ब्लॉक जब मैंने स्टार्ट किया था काफी दिन बाद ब्लॉक तो आप लोग कह रहे थे धोनी बीमार बीमार लग रही हो खैर है तबीयत ठीक है तो असल में ना मैंने उस दिन टिंड विंड नहीं था लगाया वह सन ब्लॉक नहीं था लगाया हुआ ऐसे ही उठी और उठ के ब्लॉग शुरू कर लिया तो इस वजह से आपको मैं बीमार लग रही थी और आज आपको एकदम फ्रेश लग रही होंगी जबकि ना मैं उस दिन बीमार थी और ना ही मैं आज बीमार मार हूँ ठीक है तो बाकी आप लोग की मैं अभी जब मैं काम करूँगी ना फुल लुक भी आप लोग देख ही लेंगे तो हैर जी आप लोगों ने बताना है ठीक है बाकी अब चलते हैं काम शुरू करते हैं घर के और आशी को भी उठाती हूँ और उनको दिखाती हूँ मेरी आज की लुक कैसी लग रही है फिर आपके साथ मिलती है हम सफाई शुरू करने लगे हैं यहाँ पे आप लोग देखिए मेरा परांदा पहन के ना बड़ी कोई अच्छी सी फीलिंग आ रही है मुझे जैसे बचपन में होती थी ना हम लोग दुबट्टा ऐसे ऐसे बांध के फिर बालों को ऐसे ऐसे घुमाना कितना अच्छा लगता था, था ना तो आज अहमद लेकिन बाल तो मेरे सड़ उड़ गए हैं और आपको पता है बालों के साथ मेरे हस्बैंड भी सड़ सुड़ गए हैं तारीफ ही नहीं की इन्होंने मेरी कि मैं कैसी लग रही हूँ तो है सड़ने दे इनको आप लोग कभी कभी तैयार हुआ करें तैयार होके अपने घर के काम शाम किया करें खुद को अच्छा फील फीलिंग करें मेरी तरह तो तो क्या करना है है तो हम हम लोगों ने होता अभी मैट्रेस रखते हैं सबसे पहले बेड पे अच्छा वैसे ना बड़ी अच्छी सी वाइब्स आती हैं जब आप थोड़ा बहुत भी चेंज करते हो हमेशा आपको पता है कि मेरा जूड़ा होता है बाल हमेशा बंधे भी होते हैं तो आज मैंने ना बस ऐसे ही बैठे बैठे ना सुबह में आज ही तो सो रहे थे और मैं उठी हुई थी तो फिर मैंने कहा कि चलो यार आज यहाँ पहले मैं कंगा किया कंगा करने के बाद सोचा कि जूड़ा बनाती हूँ फिर मैंने कहा कि नहीं यार काफ़ी दिन हो गया परांदा नहीं पहना वालों में चलो आज पर ही डाल लेते हैं तो बस फिर आज खुद को भी अच्छा लग रहा था काफ़ी टाइम बाद और इस तरह से थोड़ी सी जो कुछ चेंजिंग जो है ना इंसान का वो खास पे हम बंदियों होगा जो कि सारा दिन घर पर रहना है मेरी अक्सर बहनों के मुझे कॉल्स आती हैं और हम बात कर रहे होते हैं तो फिर वो कहती तुम डिप्रेशन में नहीं आ जाती हो मतलब हमेशा ऐसे अकेले रहना और ऊपर से वो तुम तीसरी चौथी मंजिल पर रहती हो और फिर ना कहीं आना ना जाना और ये वो तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं मैं ना ख़ुद में ही जो है ना वो खुश रहती हूँ और अपने घर में टाइम अपना स्पेंड करती हूँ अपने घर के साथ बच्चों के साथ बस इसमें कुछ ना कुछ मैं लगी रहती हूँ इस तरह का करने के लिए ना जब कभी फ्री होती हूँ तो देख लेती हूँ कभी अलमारी सेट करने वाली होती है या घर का कोई ऐसा काम करने वाला होता है तो मैं वो कर लेती हूँ तो क्योंकि अच्छा जो मेरी ससुराल की फैमिली है बहुत छोटी सी फैमिली है तो ज्यादा ना इन लोगों को जो मेरे ससुराल वाले ना इनको बिल्कुल भी शौक नहीं है घूमने फिरने का कहीं जाने का जैसे इकट्ठे प्लान बनता है और अम्मी की तरफ जो फैमिली है माशाला से वो तो आपको पता ही है तो फिर रहते हैं और आसिफ को भी बिल्कुल भी शौक नहीं है कहीं भी घूमने का वो मुझे कहते तुम चली जाओ बच्चों को ले जाओ या वहां जाना चाहती हो जहाँ जाना चाहती हूँ तुम चली जाओ इस तरह से अभी उस कमरे की सारी बैडशीट सेट करके मैंने डस्टिंग वगैरह कर दिया बागियों मैं इस वाले रूम में अब इसकी सेटिंग करेंगे थोड़ी सी मतलब सेटिंग क्या करनी है चीजें वगैरह सेट करूंगी और साइड डस्टिंग वगैरह करेंगे फिर इंशाल्लाह कट्ठा जो है वो झाड़ू लगेगा मोपिंग होगी और हमारा आज का काम हो जाएगा का सफाई का डन और फिर उसके बाद बनाएंगे नाश्ता भी नाश्ता नहीं बनाया क्योंकि आज आसिफ अभी उठे हैं सोकर और हसीब भी जल्दी आ रहा है आजकल उसके स्कूल में जो है वो टेस्ट वगैरह चल रहे हैं और हसीब के ना बहुत जल्द बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं और हसीब के साथ जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं जिनके बच्चे हैं या फिर जो खुद बच्चे हैं जिनके अभी बोर्ड के पेपर होने वाले हैं अल्लाह पाक आप सबको भी और हसीब को बहुत ज़्यादा कामयाब करे आप भी हसीब के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा अल्लाह पाक करें कि अल्लाह पाक इसको बहुत ही अच्छे से जो है ना वो नंबरों से पास कर दे आमिर सुमिन अल्लाह ताली कामयाब करें इनको और जितनी मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं अल्लाह पाक आप सबके बच्चों को भी कामयाब करे आमिन शुम आमीन और जो मेरी बहनें अभी शादीशुदा नहीं है मतलब बची हैं तो अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे अच्छा नसीब करे उनका आमीन सुम आमीन तो बस जी बहुत सही दुआएं कर दीजिएगा तो यहाँ पे टेबल की हालत तो आप लोगों ने देखी थी ना कितनी सारी चीज़ें बच्चे जो भी यूज़ मतलब कुछ खाना भी तो इसी टेबल पे बैठ के खाना है कुछ पढ़ना है लिखना है टैब यूज़ करना है सॉरी ये जो लैपटॉप है यूज़ करना है हर चीज़ इन्होंने इसी टेबल पे रखनी है और फिर इतना भी नहीं कि उठा के अपनी जगह पर रखते हैं फिर मैं बच्चों को डांटती भी हूँ हालाँकि जब ये छोटे थे यकीन करने के इतने अच्छे थे कि हर कोई ख़ानदान में तारीफ़ करता था कि माशा हसन हसीब की ना बहुत अच्छी आदत है कि कुछ भी खाते हैं तो बर्तन उठा के किचन में लेकर जाते हैं पढ़ते हैं या घर में भी इवन कोई भी चीज़ खाते हैं तो डस्टबिन में रैपर गिर गिराते हैं मतलब इस तरह की बहुत ज्यादा इनमें ऐसी अच्छी चीज़ें थी जो कि देख के सब जो है ना वो बड़े खुश होते थे अब जैसे जैसे माशा से बड़े हो रहे हैं तो कहते हैं ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप हमेशा यही सोचते हैं कि जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तो फिर इनशाला हमें सुकून हो जाएगा लेकिन मैं कहती हूँ कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना और भी ज्यादा तंग करे होते हैं यकीन करें कि इस तरह से हो रहा होता है तो जिनके अभी बच्चे छोटे हैं मुझे आप लोग तो तय मुझे कमेंट करेंगे कि नहीं नोरिन अगर आप बच्चों को सिखाएं और ये वो सब चीज़ें तो बच्चे करते हैं लेकिन यकीन करें कि जब मैं के बच्चा मैट्रिक में आ जाता है या फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि वो आ, खुद चाहते हैं ना वो वही कर रहे होते हैं मतलब हम उनको नहीं सिखा सकते कि आप बेटा ये करें ये करें अच्छी हैबिट जो है ना वो बच्चों में बचपन से होनी चाहिए और मैंने बड़ी कोशिश की है इन चीज़ों की और बच्चे माशाला काफी हद तक सीखे भी थे इन चीज़ों को लेकिन जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं अब इनका स्टडी का बर्डन भी ज्यादा जाहिर सी बात है मैट्रिक नाइन्थ मैट्रिक में या फिर फर्स्ट ईयर में मतलब बच्चों की काफ़ी ज्यादा चेंजिंग इसलिए हो जाती है कि बच्चे पढ़ पढ़ के थक जाएंगे हैं। फिर अकेडमी ये जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह या फिर उसके अलावा बच्चों ने और अदर एक्टिविटीज करनी होती है उस वजह से बच्चे बड़ा थक जाते हैं तो फिर उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता कि वो घर के छोटे मोटे कामों में भी जो है ना ध्यान दें फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं यकीन करें कि मैं जब पंजाब जाती हूँ आपके सामने ही होता है कि बच्चे काफ़ी हद तक खुद मैनेज कर रहे होते हैं खाना पकाना घर का ख्याल रखना छोटे भाइयों को देखना यूनिफॉर्म प्रेस करके देना उनको सुबह में स्कूल भेजना ये सब चीज़ें वो चीज़ें वो कर रहे होते हैं माशाला से आप लोग सोच रहे होंगे कि नोरना आप मोपिंग वाइपर के साथ इस तरह से कर रही हैं तो मोप बकेट ले लें या कुछ भी इस तरह से तो मैं आपको बताऊँ मैंने मोप बकेट ली हुई थी और वो मोब बकेट कहाँ गई कुछ पता नहीं चल रहा आप बिलीव करें कि स्टोर में रखी थी बिल्कुल न्यू थी क्योंकि वो जब ली थी उसके थोड़े टाइम बाद ही वो इर्मिश आ गई थी मेरे पास और इर्मिश जो है वो चार साल तक मेरे साथ रही है तो वो मोब बकेट जो है ना वो बस स्टोर में पड़ी रही उसके बाद फिर जैसे कोई ना कोई काम आपको पता ही है कि काम के लिए आती रहती है तो इसलिए फिर वो मैंने निकाली नहीं क्योंकि आप खुद जब मॉपिंग कर रहे होते हो फिर तो आपको ज़रूरत पड़ती है इस तरह के कहते नहीं कि इस तरह के काम करने की जब आप हेल्पर रखते हैं तो बाकायदा वो तरीके से फिर वो सब चीज़ें कर रही होती है और मैं कहती हूँ कि आज के दौर में जो बंदी ठीक है हेल्पर्स तो कर ही रही होती हैं लेकिन जो बंदी घर में जैसे रहने वाली हम जैसी औरतें वो अगर बैठ के मोपिंग कर रही होती है ना मैं कहती हूं कि वो बड़ी लकी औरत है क्योंकि आज के दौर में बहुत कम खातीन हैं जो कि बैठ के, के मोपिंग कर सकती हैं यकीन करें कि बस एक तो समझ लें कि ऑपरेशनों ने कोई हाल नहीं छोड़ा हुआ ऑपरेशन करवा करवा के बंदा खत्म हो जाता है तो बैठ कर नीचे मोपिंग करना मुश्किल हो जाता है और दूसरा मोटापा जो है तकरीबन हर दूसरी ओर देखेंगे आपके उसका जिसम फूला भी आपको नजर आएगा तो है जी घर हमारा सारा क्लीन हो चुका है माशाल्लाह से हर काम करने के बाद अब आ जाती है नाश्ते की बारी तो अब सारा काम करने के बाद क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नाश्ता नहीं किया तो अब नाश्ता करेंगे यहाँ ने ना फटाफट से चाय भी डन कर दी थी दूसरी साइड पे ऑमलेट का सामान भी रेडी कर दिया तो बस फिर मैंने जल्दी से बनाया नाश्ता क्योंकि आस काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे और नाश्ता करने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई थी यहाँ पर इतना ज़्यादा मैस हुआ हुआ था कुछ सामान मंगवाने वाला मंगवाया हुआ था जो खत्म हुआ हुआ था और दूसरा फिर आगे सब्ज़ी बनानी थी मुझे तो उसके लिए भिंडी मैंने बैठे बैठे ना साथ ही काट ली थी और ये डब्बा देखें ये आशीष ने ना तोड़ दिया इतना मुझे गुस्सा आ रहा था इतना प्यारा ही किनके कि ये टाइट जार था जय तो आसिफ के हाथ से गिरा हेर टूटने वाली चीज़ थी वो टूट गई तो अब ना मैं कर लेती हूँ फटा फटाफट से किचन डन और दूसरा आप लोग सोचेंगे कि नोीन आपने हेल्पर क्यों नहीं रखी जब इतने सारे काम होते हैं किचन का इतना काम हो जाता है फिर घर का काम करना किचन का काम करना कपड़े धोना बच्चों को देखना ब्लॉगिंग करना ओ माय गॉड मतलब बहुत सारे काम लग रहे होते हैं <laughs> है ना अच्छा मैंने ना काम के लिए रखी हुई बंदी वो कौन सी है मैं बता देती हूँ आपको वैसे आप सभी तकरीबन उसको जानते हैं जिसका नाम समीना है और इर्मिश के होते हुए ही वो आई थी अच्छा उसके बाद वो बीच में चली गई थी आप सबको याद होगा के आप लोग काफ़ी दफ़ा कमेंट्स करके पूछते थे नोन समीना कहाँ गई उसका कैसी है वो आ, पता करेंगे वो तो उन दिनों से मीना जब बीच में गायब रही तो उसकी दोबारा से जो है वो शादी हो गई थी और शादी होने के बाद अब वो दोबारा मेरे पास आई थी तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मतलब कि वो प्रेग्नेंट थी फाइव मंथ प्रेग्नेंट थी तो फिर मैंने सोचा कि मतलब इस हालत में घर के काम करना से मीना बहुत मुश्किल है तो वो कहती थी नहीं आप ही मैं कर लूँगी नहीं मैं कर लूँगी तो खैर उसके कहने पर मैंने उसको रखा तो सही लेकिन यकीन करें कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कर रहा कि मैं उससे काम करवाऊँ बैठ के झाड़ू पोछा करना डस्टिंग करना बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए तो फिर मुझे पता नहीं क्यों ना इस तरह से फ़ील हो रहा था कि नहीं नो अल्लाह ना करे कि कोई भी उन्नीस बीस हो सकती है तो फिर एहमी फजूल में तुम्हारे सर पर कोई बात आ जाए तो बेहतर है कि तुम उसको जो है ना हटा दे नहीं मेरा बेहतर रहेगा तो है तकरीबन कोई उसने थोड़े दिन ही फिर काम किया तो फिर मेरा दिल नहीं माना तो मैंने उसे बोला कि नहीं समीना क्योंकि अगर मैं भी इस हालत में होती तो आपको पता है कि आ, मैं कितना भी काम कर सकती थी मेरे लिए किचन में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है फिर झाड़ू पोछा करना मतलब बहुत सारे काम होते हैं तो फिर मैंने कहा कि नहीं आप रहने ही दो समीना तो इसलिए वो बेचारी फिर अब चली गई है तो इन फिर अब कोई और देखूंगी कोई अच्छी सी आपको पता है कि आजकल के दौर में ज़रा देख कर ही हर चीज़ रखना होता है जो आपकी पुरानी हेल्पर्स होती हैं ना वही अच्छी होती हैं जो न्यू आप रखते हैं तो उसका कोई पता नहीं होता वो कैसी हैं और कैसी नहीं और है। अभी मुझे आप सबको बताना था कि आप सबके जो नाम है वो मैं लिखती जा रही हूँ जिन जिन बहनें मुझे जो कमेंट कर रही हैं मेरे उस व्लाग पर मैंने आपको कहा था कि मैं सबके नाम लेने वाली हूँ तो मैं सोच रही थी कि बैठ के एक अलग से व्लाग बनाऊँ या फिर इसी तरह व्लॉग के बीच में ही जो है ना आप सबके नाम ले लो तो आप मुझे ज़रूर बताना इस चीज़ का क्योंकि मुझे ना वाकई में यार मुझे बिल्कुल भी नहीं था यकीन कि आप लोग वाकई में इतना आ, मतलब पॉजिटिव सोचते हो और इतने अच्छे कमेंट्स करते हो और आपने दिल से कहा सबने आ, यकीन करें कि मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया आ, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ की कि मतलब सब ने यही मुझे बोला कि नहीं नोरिन तुम अपना काम जारी रखो ब्लॉगिंग जारी रखो नहीं सोचना ऐसा यूट्यूब छोड़नी नहीं है मुझे इतना अच्छा लगा आप लोग के कमेंट्स रीड करके और मेरे अंदर एक जज्बा जागा जिसको मैं बता नहीं सकती और आज आप देख ही रहे कि मैं कितने अच्छे से प्रॉपर ब्लॉग बनाई थी जिसका मैं पहले आप हमेशा बनाती हूँ To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. अच्छा मुझे एक कमेंट आया था कि नोरिया आपने वो टोटका शेयर नहीं किया जब आपके हस्बैंड को किसी ने बताया था बाज़ार में हेयर्स के लिए ना तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि असल में वो मैंने बदकिस्मती से समझ ले के अपने मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं किया था वो किया था मैंने बच्चों के मोबाइल में क्योंकि आसिफ़ जिस साइड पे बैठे थे, थे ना गाड़ी में तो वो उसी साइड पे बंदा आया और यकीन करें कि वो बंदा क्या सोच के आसिफ के पास आया और क्या नहीं मुझे नहीं पता बहरहाल उन्होंने आके इसी साइड पे जब बोलना शुरू किया तो पीछे साथ हसीब बैठा हुआ था तो मैंने कहा कि हसीब तुम रिकॉर्ड कर लो ताकि हम लोग फिर जाके इसी वीडियो से नोट कर लेंगे ये सारी जो भी रेमेडी बता रहे हैं अच्छा वो बच्चों ने कहीं अपने मोबाइल से वो क्लिप ही डिलीट कर दिया जिसकी वजह से मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ तो हसीब कहता था कि मामा मैं देखता हूँ अगर मुझे लेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ तो है अब मैं आपके साथ कैसे शेयर करूँ मुझे आप खुद ही अल्लाह के आसिफ के लिए खुद नहीं वो चीज़ें लिया अगर ली होती तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करती और फिर एक महीना जमाना था फिर उसके बाद आपके साथ मैं रेमेडी शेयर भी करती कि हाँ वाकई में असर हुआ है या नहीं हुआ और बस ये था इसलिए मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई उसके लिए आई एम सो सॉरी अब बाकी इसके पीछे कुछ भी नहीं यकीन करे मुझे कुछ अच्छी चीज़ पता चलती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाती हूँ अदरवाइज़ मैं कोई भी फ़ेक रिव्यूज़ कभी भी मैंने नहीं दिए इवन मुझे इसकी ऑफ़र भी आई थी बाकायदा मुझे पैसे भी मिलने थे लेकिन मैंने उन्हें बोला कि मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दूँ कि मैं ये बालों पर लगाती हूँ और इससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ मेरे बाल अच्छे हो गए बड़े हो गए ये वो तो मैंने यकीन करे कि वो भी नहीं किया इसीलिए कि क्योंकि ये फ़ेक रिव्यूज़ थे तो वो देना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था अच्छा जी तो अभी ऐसा है कि मेरा किचन का काम भी सारा अलमदुल्ला से कंप्लीट हो गया और मोहम्मद को देखें सुबह से लेकर ये टाइम आ गया मेरा बच्चा मेरे पीछे 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 जहाँ जाती हूँ जो कर रही हूँ वहीं पे पीछे पीछे आ रहा है और घर के काम काज ना अक्सर इतनी की उम्र का जो बच्चा है ना वो इग्नोर हो जाते और इसके अलावा मिल के मुझे एक, एक बात अभी अभी भी मेरे जहन में आई मैं क्योंकि अभी बीच में थोड़ी देर ब्रेक लिया मैं गई मैं वाई स्टूडियो पे पर वहाँ पर मैंने कुछ कमेंट्स देखे आप लोगों के फिर से क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स रीड करना चाहे वो अच्छे हों या बुरे हर तरह के ठीक है ना तो मैं आपको बता रही थी कि भाई आप लोगों ने करना क्या है कि कुछ से सवाल जितने भी आप लोग कोई भी करना चाहते हो जैसे आशिरफ़ से रिलेटेड मेरे रिलेटेड या जो भी मेरे माइक के या ससुराल वालों से रिलेटेड आप करना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर करें मैं कोशिश करूँगी कि एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूँ ठीक है ना तो आप लोगों ने ज़रूर अपने जो सवाल है ना वो करने हैं तो फिर इन इसका जवाब जो है ना वो जरूर देने की कोशिश करूँगी ओके जी अभी मुझे मशीन लगानी है कपड़े धोने हैं टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और दिन में गर्मी बहुत होती है तो इसीलिए मैं इसी टाइम कपड़े धो लेती हूँ पौने साथ हो गए और दिन में रोशनी देखें जरा कितनी ज़्यादा हो रही है अल्लाह हाफिर जी अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय भा, टेक टेयर सी यू